शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह हमारा केके यानी कि खन्ना खुराना चेन ऑफ होटल्स का तीसरा हेल्थ रिसोर्ट है और हम आपको वादा दिलाते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम और 3 रिसोर्ट हमारे देश में खोलेंगे। आप सबने इसके इसमें वो रहकर इसकी वो बढ़ाई है। ये मेरा कजिन ब्रदर है मिस्टर खुराना, पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहा है और वहां पे होटल का कारोबार संभाल रहा है। इसलिए यहाँ आके उन्हें हिंदी भाषा में शब्दों की कमी महसूस होती है। वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ उद्घाटन समारोह में आप आए, हाजिर रहे और शोभा बढ़ाई, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब मैं आप सबको हमारे उसके बारे में कुछ वो करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर इसकी कमी नहीं है, लेकिन ये अपने किस्म का एकमात्र वो होगा। हेल्थ रिसोर्ट यहाँ पर हर वो चीज हमारे इस एक के नीचे होगी। दुनिया की सारी सहूलतें हमारे हेल्थ रिसोर्ट की छत के नीचे होगी। हाँ, यहाँ पर आप वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, और हाँ वो तो कर ही सकते हो। मतलब यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, और हाँ रिलैक्सेशन तो कभी भी कर सकते हो। मुबारक हो, आई एम पेड्रो। आई एम खन्ना। ये मेरा छोटा भाई जिगर का टुकड़ा साहिबा। आई एम वो खुराना। क्या बात है खन्ना खुराना, इतना शानदार रिसोर्ट हमारे रिसोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया और हमें न्योता भी नहीं दिया। नहीं, वो इसमें वो हो गया। हाँ जी हाँ, जल्दबाजी में भूल गए। भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले, हम आपके लिए तोहफा भी लाए। तोहफा ले गए। थैंक यू। ए, ये क्या बदतमीजी है? तू कौन? मैं सीपी पांडे। पूरे होटल को तोड़ डालो, फोड़ डालो, और साला जो भी बीच में है ना काट डालो। इस इलाके में सिर्फ एक ही आदमी का होटल चलेगा, वो है पेड्रो भाई। सामने जब जब आएगा ऐसी मार खाएगा मेरे से। मेरे सामने मत आना, जब जब आएगा मारूंगा तुझे। अरे बुलडोजर भाई, आपने मुझे नहीं मेरे भाई को कहा होगा। यहाँ पे किसी ने होटल तो छोड़, अगर ढाबा बनाने की कोशिश भी की तो जिंदा दफन कर दूंगा, समझा? ब्रदर फ्लाइंग मशीन।
मैं पिछले कई सालों से कई कॉलेजेस का प्रिंसिपल रह चुका, लेकिन हमारे इस कॉलेज का ये साल मेरे लिए जिंदगी का सबसे अच्छा साल रहा। देखिए मेरे बाल झड़ गए, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, देखिए मैं कितना खुश हूं। लेकिन आज एक दोस्त के नाते मैं आप सबको और खास करके चंटू बंटू को ये नसीहत देना चाहता हूं कि कॉलेज में कुल छर्रे बहुत उड़ाए, अब जरा सीरियस बनो और अपने माँ बाप का और इस कॉलेज का नाम रोशन करो। लेकिन जो कुछ भी करो यार, अच्छा भला रानी और शीना के साथ मामला फिट हो गया था, साला बाप विलेन निकला है। अबे विलेन क्या, बेवकूफ निकला, जिसे हम जैसे होनार दामादों की कदर नहीं जाने। देखना पछताएगा, कोई हमारा क्या है? हम तो किसी और जगह मुंह मार लेंगे, हम अपनी जवानी को किसी के इंतजार में थोड़ी वेस्ट करेंगे। हाँ यार, वैसे भी मेरी वाली कुछ खास नहीं थी, ये तो उसका बाप करोड़पति था इसलिए अच्छी लगती थी। यार ये 5,000 रुपए घंटे की गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, ऐसा लग रहा है हम इंटरव्यू के लिए नहीं किसी लड़की को पटाने जा रहे हैं। यार तू समझता नहीं है यार, अगर ऐसी महंगी गाड़ी में जाएंगे तो वहाँ नौकरी देने वाले शायद अपने को बड़ी पोस्ट देंगे ना। हाँ, और इस गाड़ी का किराया कौन देगा? उसका बंदोबस्त मैंने किया है, तू सिर्फ फॉर्मूला 36 याद रखना। अच्छा हाँ, ऐसा बोलता है क्या? 26 चल बाजा बन कर चल, क्या दिमाग की दही का रेला है, एक तो इस लंगोट ने पका डाला। ए बाबा चलना, आप इधर ध्यान देना यार। हाँ। देख ये ना बैंक का नक्शा है क्या? हाँ। जिधर आज अपने को बैंक रॉबरी करने का है। ये शाने, तूने अपने को क्या बोला? वो शामलाल को आज किडनैप करने का है। अबे आज के दिन बैंक रॉबरी करने का है बस, अब तू मेरा टाइम खराब मत करो, इधर समझ। एक इधर है ना, आगे गाड़ी रुकेगा, समझा क्या? सीधा बैंक के अंदर जाने का, डरने का नहीं, बैंक के अंदर तेरे को मदन चिकना मिलेगा, समझा? वो तेरे को बाया आंख मारेगा, तू उसको डाया आंख मारना और सीधा मैनेजर के कैबिन के अंदर घुस जाना, मैनेजर के कनपट्टी पे घोड़ा लगा कर बोलना हैंड्स अप, फिल्ला नहीं खत्म कर डालूंगा, एकदम भड़क कर बोलना। क्या चलो सामने बैंक है ना, उसके सामने लगा डाल, चल लगा डाल, चल चल। अबे तू इधर ही रुक, क्या किधर को जाना मत। हाँ फट गई साली की, फट गई। अबे अभी तू तेरी लंगोट को सीधा कर, आप उनको इंटरव्यू देने गए, चल। सेठ जी आया नहीं लगता है? यार ये ऑफिस तो किसी बहुत गरीब आदमी का लगता है, भाई पगार वगैरह देगा कि नहीं? अबे नहीं देगा तो साले के हलक में उंगली डाल कर निकाल लेंगे, हम दुनिया का खाते हमारा कोई खा सकता है क्या? वैसे मार्केट में खबर है इस कंपनी के बॉस के पास बहुत पैसा है। लेकिन इस ऑफिस की हालत ऐसे कबूतर खाने जैसी क्यों है भाई? या तो साले की अंडरवर्ल्ड वालों से फटती होगी या तो दिल का फर्टीचर होगा। अरे भाई उसको बोल साला सामने आया और एक अच्छी सी नौकरी देकर जाए। ओ अंकल, ओ जरा वो बुढ़ाव को बुलाओ ना यार। किसको बुलाओ? आपके सेठ मिस्टर केलकर को बुलाइए। तो लात मार कर निकाल देगा, और इस उम्र में तो कोई अगरबत्ती बेचने भी नहीं। मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ केलकर। मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। महान सर, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश बर्बाद होने से बच रहा है सर। सर आपके यहाँ नौकरी करके हम अपने आप पर फक्र महसूस करेंगे सर। और तुम लोगों को नौकरी देके मुझे अपने आप में शर्म आएगी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सूरज लेकर भी हम जैसे अगर आप वर्कर ढूंढे ना तो भी नहीं मिल सकते सर। मुझे मेहनत कश इंसानों की जरूरत है, मार्केटिंग का जॉब जूते घिसने का जॉब है, बाप की मर्सिडीज में घूमने वालों का नहीं। सर सर आप हमें एक चांस तो दीजिए सर, जूते क्या हम अपने पैर घिस देंगे सर। मुझे तुम लोगों को चांस देके चांस नहीं लेना है, खड़े हो जाओ। गांधी जी ने इस देश के युवकों से क्या क्या उम्मीदें रखी थी। और खड़ूस चल अपना मचमच बन कर, समझा क्या? और वैसे भी आप उनको ऐसे पकेले और फटेले जगह में काम नहीं करने आए क्या? चल चंटू। मवाली कहीं के
अरे केलकर ने तुम्हारे वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अरे तुम लोग को वहाँ नौकरी मांगने भेजा था कि उसकी माँ बहन कर रहे। लॉली भाई आखिरी बार एक नौकरी का झोल कर दो ना, आखिरी बार बस। अरे तुम्हारे झोल ने तो मेरे अंदर होल किया है। लॉली भाई आखिरी बार की सेटिंग करो ना प्लीज, गलती हो गई प्लीज लॉली भाई। बस अब एक ही जगह बची है, गोवा में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती हो रही है, जहाँ पे वो लोग तुम्हें काम भी सिखाएंगे और तनख्वाह भी देंगे। क्यों रहा है बे? इसकी माँ को एक ज्योतिष ने कहा था ये बड़ा होकर हजारों लोग को खाना खिलाएगा, लेकिन तभी ये नहीं कहा था कि बड़ा होकर वेटर बनेगा। ए, 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 तुम्हारे ए चक्कर में कोई तुम्हें लाधी पोछा मारने भी नहीं रखेगा। और ए, ये कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, ये बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार। क्या बात कर रहे हो लाली भाई, मतलब 5 स्टार में रहने को मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। अरे नौकरी पक्की हो गई तो सोने को भी मिलेगा। अरे तो भेजो ना लाली भाई। भेजो 20,000 ला तो भेजता हूँ। क्या बात कर रहे हो, और बेकार लोगों से 20,000 रुपए लोगे, कुछ तो शर्म करो यार। शर्म 3 महीने से शर्म कर रहा हूँ, अगर आप बेशरम नहीं हुआ ना तो अंदर बॉल खेलने की बजाय बाहर बॉल पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है अगर ऐसी बात है तो अगले हफ्ते 20,000 रुपए लाकर तुम्हारे टेबल पर मारूंगा। टेबल पे क्यों, रुपए मार नहीं। नाम बताइए। राजा राम। राजा राम, हाँ ये लो यहाँ साइन करके वो पैसे भर देना, लीजिए। थैंक यू यार। ये तू मनी ऑर्डर के फॉर्म भर के क्या 10-10 रुपए जमा कर रहा है, 20,000 रुपए चाहिए बंटू अपने को, 20,000 उसकी सोच। अबे सबर कर यार, सबर कर, सबर का फल मीठा होता है। ये देख आ गया मेरा दूसरा ग्राहक। अभी आया। अरे भाई हमारा फॉर्म तो भर दियो। हाँ जी बोलिए, कितने पैसे भिजवाने? 27,000। अच्छा अच्छा पता बोलिए। हेमचंद जलान। हाँ यार भाई भाई गाँव। हाँ जी जिला जोधपुर। हाँ जी राजस्थान। अच्छा जी पैसे भर दीजिए। थैंक यू भाया, थैंक यू। 10 और 10 20 हो गए। अबे उसे पैसे जोधपुर भिजवाने थे ना, मैंने जोधपुर की जगह मेरे घर का एड्रेस लिख दिया और भेजने वाले की जगह तेरे बाप का नाम लिख दिया। अब ये 27,000 रुपए मेरे घर मुझे मिल जाएंगे। यार तू लूटे को लूटेगा? अरे लूट कौन रहा यार, जैसे ये 5 स्टार होटल में नौकरी लग जाएगी तो ब्याज समेत उसे पैसे लौटा देंगे ना, जोधपुर का एड्रेस तो है ही। साले जब 100 कमीने मरे होंगे ना तो तू पैदा हुआ होगा। हाँ और ये मत भूलना कि कमीने का भाई कुत्ता कमीना होता है। अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ है, लगता नहीं अपना नंबर आएगा। हाँ यार लगता है अपने ये पैसे भी उतर गए। हाँ एडमिशन चाहिए क्या? डायरेक्ट मैनेजर के साथ सेटिंग है, आप यूं दिलवा दूँ। ये और उतारने को आ गया। देख भाई हम छोटे मोटे आदमी से बात नहीं करते हैं। चल अगला नंबर अपना है, कहाँ कहाँ से आ जाते यार, पकड़ा जाएगा। अगला आदमी है इस तरफ देखना मत बस। गिन लो पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे छोड़ो यार। यार बंटू यहाँ कोई दाल में काला लगता है। दाल में काला नहीं भाई साहब, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस होटल का जो मैनेजर है वो सबसे एडमिशन के लिए 50,000 रुपए ले रहा है। क्या वेटर की नौकरी के लिए 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है? क्या करे भाई, भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार जो हो गई है। भाई अपनी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। चल बैठ यार, तू फॉर्मूला नंबर 36 यूज करते है, मैनेजर एडमिशन तो देगा ही, वो भी हाथ पैर जोड़ कर देखता रहे तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। ये कोर्स करने आए हो? जी सर। ये पेशा क्यों चुना तुमने? क्योंकि किसी दिन मैं अपना 5 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ सर। अच्छा मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में हम ही से ट्रेनिंग लेके हमारे ही कंपटीशन में तुम एक होटल खोलना चाहते हो? मेरी बिल्ली मुझे घुमाओ। नहीं सर आप उल्टा समझ रहे हैं। अच्छा मैं उल्टा समझ रहा हूँ, मतलब तुम्हारा कहने का ये कि मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ? नहीं सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। तुमने नहीं कहा है तो फिर क्या मैंने कहा है? तुम्हें क्या समझ लगता है मैं पागल हूँ? नहीं सर मेरा दिमाग खराब है, मेरे सिंह निकले हुए हैं। जो आदमी अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर पाता उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर मैं तो कहता हूँ कि घूस नहीं देने वालों को ना गोली से उड़ा देना चाहिए। हेलो ओब्राय टावर्स मिस्टर राज ओब्राय है? राज ओब्राय? अबे राज ओब्राय तो वो है जिसके 5 स्टार होटल से मालिक है वो उनका, इसके पास फोन कैसे आया? मुझे दे। हेलो मैं जो पूछूं उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। हाँ। तुम राज ओब्राय के भांजे हो, इस बात का किसी को शक तो नहीं हुआ? ओए ये तो राज ओब्राय का भांजा है। हाँ नहीं 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 देखो
तुम्हें वहाँ एडमिशन लेकर एक साल तक उनकी पूरी टीम को ऑब्जर्व करना है। हमें अपने लंदन के होटल के लिए यहाँ से बेस्ट ऑफ द पीपल भेजने हैं, और हाँ, खास करके उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर गिल पर कड़ी नजर रखना। क्यों? सुना है बहुत ही लायक आदमी है, अगर ऐसा आदमी हमें मिल जाए तो यहाँ से लेकर हम लंदन तक झंडे गाड़ सकते हैं, भले ही हमें उसे 10 गुना दुगनी तनख्वाह क्यों ना देनी पड़े। ठीक है बेटे, बाकी बात खाने के लिए रात को घर पे करते हैं। बाय। गाली दे रहा क्या? नहीं, नौकरी दे रहा है, वो भी 10 गुना तनख्वाह के साथ, और वो भी लंदन में। एक काम कर, वो आ रहा है, तू जल्दी से जा, चाय और ठंडे का इंतजाम कर। जा जा जा, जा, जा। मेरा प्रमोशन। हाँ हाँ, 10% लूंगा। तो गिरती रहती है। तुम्हें मालूम है, जब मैं इस इंस्टीट्यूट में पहली बार आया था एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने अपने ऊपर गर्मा गर्म चाय गिरा ली थी। ऐसी जगह जला था जहाँ बर्नौल भी नहीं लगा सकता था। क्या पियोगे तुम? नहीं सर, थैंक यू। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ खा लो, हमारे यहाँ के फिश फिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं। नहीं सर, मुझे तो आपके यहाँ एडमिशन की भूख और ट्रेनिंग की प्यास है सर। तुम्हारा एडमिशन तो हो चुका है। रियली सर? हाँ, तुम्हारे जैसे हुनार बच्चों की तो हमें जरूरत है। मेरे से भी होना, मेरा एक दोस्त बाहर बैठा, अगर उसका भी। हाँ हाँ, तो लेके आओ ना उसको, जरूर लेके आओ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वन टू वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। थैंक यू सिलेक्ट। क्या सही जगह है यार, मैं तो हर हॉलिडे यहीं मनाऊंगा। यार मैं तो यहाँ सेटल होने की सोच रहा हूँ, तू आना छुट्टियों में अपने बाल बच्चों के साथ। यार ये तो कुछ लड़की जैसा समंदर में डूब रहा है। यार ये लड़की जैसा नहीं, ये कोई लड़की डूब रही है। अरे रे रे बेचारी, तू बचाने नहीं गया तो डूब जाएगी। मैं क्यों जाऊँ, तू क्यों नहीं जाता? यार मेरी माँ ने कहा था ना, डूबते हुए को बचाने नहीं जाना चाहिए, अपने को भी लिए डूबता है। और ये जानते हुए तू मुझे भेज रहा है? तूने कभी अपनी माँ की बात सुनी है? यार तेरे में इंसानियत जैसा कुछ है कि नहीं? तेरे सामने वो लड़की डूब जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐसा बोलता है क्या? हाँ यार, चल मैं जाता हूँ। जा 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 आइला। जा वा। चप्पल यार। हाँ रख दे रख दे रख दे, मंदिर के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। ओह शिट, अब क्या हुआ? घड़ी यार खराब हो गई। ला दे 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 दे, वैसे भी इतना बुरा टाइम चला है भाई। ओह माय गॉड। अरे तेरी अब क्या हुआ? कपड़े कपड़े। हाँ निकाल 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 निकाल, जल्दी निकाल, डूब जाएगी वो यार। गो 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 गो। अरे चंडू सुन, अरे यार वो चड्डी गीली हो जाएगी। अरे यार एक लड़की मरी, तुझे मेरी चड्डी की पड़ी है, हट। ओके गो 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 निंजा। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। इस ज्यादा नजदीक मत जा, बाल से पकड़, खींच 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 खींच। सॉरी, कितना सिंपल था। आजा आजा। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अरे निकाल पानी का, तो निकाल चल। अरे ठीक है ठीक है, ठीक हो ठीक हो ठीक हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो मैं, ओह माय गॉड, मेरा क्या होता? बाय द वे, आप लोग इसी होटल में रहते हैं? हाँ। ओह, तो फिर आज से आप लोगों का खाना पीना रहना सब फ्री। अच्छा वो कैसे? मैं यहाँ के मालिक की बेटी हूँ। यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रुक जा मैं देखता हूँ, कुछ रोकड़े का इंतजाम हो जाता तो। रोकड़ा का हो सकता है? रोकड़ा मैं समझी नहीं। नहीं मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आए, तो खाना पीना तो मतलब। वाओ दैट्स ग्रेट, मैं भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अच्छा, आपसे एक साल तक मिलना होगा। आई एम सोनिया। आई एम चंटू। बंटू। थैंक्स चंटू। जा रहे हो? ओके बाय बाय। एक्सक्यूज मी।
यार चंटू, ये तो तेरे को गीला करके अपने को सूखा करके गई भाई। हाँ भाई, बहुत बुरा वजह हुआ। तो मैं इस कोर्स में तुम लोगों को हर वो चीज सिखाऊंगा जो कि किसी भी एक फाइव स्टार होटल की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता। मेरा ये कोर्स करने के बाद तुम लोग दुनिया के किसी भी होटल में जाके मेरा नाम लेके मैनेजर की नौकरी पा सकते हो। बेटा बंटू, सुन रहे हो ना तुम? अच्छा, हाँ। थैंक यू। ये कोर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। भाई ये होटल की बात करते करते हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया? भाई हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमानों की खिदमत करना, अतिथि सत्कार। फाइव स्टार होटल्स में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, करोड़पति लोग आते हैं। उनसे किस तरीके से पेश आना चाहिए ये अपने आप में कला है जो आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। थैंक यू। चंटू तुम जरा खड़े हो जाओ। देखो, मानो कि मैं वो करोड़पति ग्राहक हूं और तुम उस होटल में वेटर हो। मैं तुम्हारे होटल में आता हूं, तुम मुझसे किस तरीके से पेश आओगे बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए बोला, 9 नंबर में पानी रख, 4 नंबर में फटका मार। हाँ, चश्मी से 12 रुपए आठ आना ले लेना। बोलो साहब, खाने में क्या लाओ? बोला गोश, दाल फ्राई, मटन कुटाला, चिकन बिरयानी, रोस्टेड चिकन, सूखा चिकन, फिश फिंगर। क्या लेगा? ये फाइव स्टार होटल है, कोई काकेदा ढाबा नहीं है, और ग्राहक भाग जाएगा इस तरीके से। एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो कस्टमर की जगह पे। बेटा सुंदरी, तुम जरा बताना इसको। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? क्या लेंगे आप? चांदनी बार नजर आ रहा है क्या यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, जाके बैठ जा। दो बैठ सर, मैं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटा बंटू, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो सीधे मैनेजर बनना है ना। नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो। सर आप हमें बताइए ना कि किस तरह से पेश आना चाहिए, प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। Oh my God! It's a pleasure, gentlemen, that you are here tonight. Sir, we have very good Italian food here. Then we have very good Chinese, and we have very good Thai food. What would you like to have, sir? Jamai la paunya. Ye bingrezi bingrezi atna yamala. Ye baaki sab sod. Jhunka bakar, kola puri rasa, vada pav, bido pav. Kya aitka tuja kade? Yaar kuch. What did he say? Hey, papa, baaki di galla. छड मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी है? नहीं, पास्ता है। पास्ता पास्ता छड पैसे है हमारे पास। आले भाई पैसे है, आले भाई पैसे, आले भाई पैसे, आले भाई पैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली कभी कभी आपके पास इस तरह के कस्टमर्स भी आ सकते हैं, तब आप लोगों को मेरी तरीके से मुस्कुरा कर उनको अटेंड करना चाहिए। गुड, आज की क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच। साला मुझे ईरानी होटल का वेटर कह रहा था, हमने उसे नेपाली की चाइनीज गाड़ी का छोकरा बना डाला, और मुझे बोल रहा था तुम सीधा मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर आला ना मजकता उड़ीत आता येईल गम्मा। साले को जब पता चलेगा कि तू ओबेरॉय का भांजा तो छोड़, तेरे बाप के चाय के स्टॉल खोलने के वादे हैं, तो उसमें क्या बीतेगी। छोटा मोटा आदमी ना, अब देख बेटा ये छोटा मोटा आदमी कैसे बड़ा नाच नचवाता है। मतलब मेरे ही ऑफिस में घुसकर मुझे को लल्लू बनाया। लल्लू तो फिर भी अच्छा होता है सर, उल्लू बना दिया आपका। बताइए, अरे पोपट कर डाला आपका, आप अपने आप को बहुत छाना कौवा समझते हैं ना, गोबर में घुसेड़ दिया आपको। अच्छा तू बड़े मजे ले रहा है? नहीं, अभी वो जानते नहीं है मैं क्या चीज हूँ। उन्हें मालूम ही नहीं है सर, बहुत कुत्ती चीज है आप। बहुत सही पहचाना बेटा, इन लोगों ने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन टेस्ट लेके तो मुझे ही पास करना है ना। ऐसे ऐसे टेस्ट लूंगा कि सालों का फुल टॉस हो जाएगा। हाँ हाँ, करने के बजाय काम कर चल। अब बजेगा सालों का बैंड। हेलो, हाय, हाय, हेलो, वेलकम, वेलकम। मिस्टर जॉन, आप और आपकी टीम इंग्लैंड से वक्त निकाल कर यहाँ हिंदुस्तान में हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट देने आए, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। खैर, इंस्टीट्यूट तो आपने देख ही लिया, अब हमारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ के अलग अलग किस्म के वो पकवान, हाँ वो पकवान खिलाएंगे, जिन्हें चख के आपको उन्हें मार्क्स देने हैं।
पकवान ले आओ। क्या बना रहा है भाई? मैं इंडियन बर्गर बना रहा हूँ। इंडियन बर्गर कैसे? देखो, रास्ते से दो चार वड़ा पाव खरीद लो, पाव के ऊपर सॉस से अच्छी सी डिजाइन कर लो, दो चार कांदे टमाटर अच्छे से प्यारे से काट कर साइड पर सजा दो, बन गया आपका इंडियन बर्गर। ओह नो! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसको? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रे रे रे। मेरी जान चल गई। आज होगा कांड। अरे सबसे पहले तो ये रोना बंद करो मेरी माँ। हो गया कांड। तो प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया और गॉड मैं क्या करूँगी? नहीं रुको रुको रुको, देखो देखो देखो, एक काम करो, तुम इसकी खीर अपने नाम पर प्रेजेंट कर दो और तुम्हारी डिश ही अपने नाम पर पेश कर देगा। तो क्या कर रहा, मेरी खीर से क्यों दे रहा है? देख यार, एक बार तूने उसे डूबने से बचाया था। हाँ। तो इस बार फेल होने से बचा देना यार। हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया, फिर से हाँ बोल दिया, 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 हो गया भाई, लो आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आओ, आओ, मैं खीर देता हूँ। लगता है खीर के चक्कर में अपने यार की खिचड़ी पक जाएगी। क्यों? सुंदरी के लिए खीर, चंटू के लिए दाल। यार खुराना, आज तक हमने कोई स्टूडेंट्स की डिश चख ही नहीं डर के मारे। और ये लोग दबा के वो कर रहे हैं, खा रहे हैं। ओ सर, अभी तो आप हमारे स्टूडेंट्स की खीर खा के देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डाल दिया था ना? हाँ सर, आधा किलो नमक और एक मुट्ठी दवा के जुलाब की गोलियां। वेरी गुड इम्प्रोवाइजेशन। अब ये खीर खाएंगे और उसके बाद इनका कमरा जो दूसरे गेस्ट को दे देना है। क्यों सर? क्योंकि ये तो टॉयलेट में ही रहेंगे। अब लड़कों को मिलेगा अंडा। सर खीर आ गई है। आ गई ना? हाँ? ये खीर पे खुराना साहब की लड़की का नाम कैसे है? ये कमीने फिर कोई चाल चल गए। अरे इनकी चाल हमारा हाल बिगाड़ देगी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी खीर है ये। अरे क्या कर रहा है? एवरीवन ऑन खीर, मैं इसलिए बात कर रहा था। अरे तो क्या तुम सारी की सारी उसकी वो कर दोगे? हाँ जी। अरे सारी की सारी खीर सफाचट कर डालोगे? करेक्ट। नहीं सर, नहीं, ये तो मैं ही खाऊंगा। सर आपका कमरा किसी गेस्ट को दे दूं? क्यों? अब आप तो टॉयलेट में रहोगे। अरे क्या लेता खड़पन क्यों कर रहा है? ताकि इसके कमीनेपन का पोल खुल ना जाए। दरअसल इसके चमचे ने तेरी खीर में जुलाब की गोली और नमक मिलवा दिया था और वो मैंने देख लिया था, इसीलिए तो मैंने तेरी डिश और सुंदरी को दिलवा दी थी। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? इसका पता भी आज रात को चली जाएगा। <स्थाथ